हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी शुक्ला आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में हम आपके बीच में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं। ऐसे हमारे साथी अभी भी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फिर आप हमें हमारे 8953806857 पर व्हाट्सअप करके भी आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मापन मेजरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है उपकरण या यंत्र और दूसरी तरफ दिया है मापन की इकाई या राशि, यानी कौन सी उपकरण को किस राशि में मापा जाता है ये आपको देखना है। अमीटर, पहला ऑप्शन दिया है अमीटर। अमीटर क्या होता है, तो किसी विद्युत परिपथ की बात जब आती है, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली धारा करंट को ही मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो देखो अमीटर माप की इकाई क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ए से डिनोट किया जाता है, ऐसे भी इसको भी आप जानते हुए चलिए। अच्छा, यानी ए में कौन सा सही हुआ, थर्ड, ये आपको दिख रहा है। बी में और किसी में नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि आंसर तो आपका बी ही होगा। फिर भी हम आगे चेक करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होता है यह मौसम विज्ञान मीट्रोलॉजी से संबंधित यंत्र है। किससे, मौसम से संबंधित यंत्र है, जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, उसे तथा जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है। यानी आपका जो है हाइग्रोमीटर के लिए सही जवाब क्या होगा, हाइग्रोमीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है सापेक्ष आर्द्रता, यही क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसके बाद बी में कौन सा हो गया, फोर्थ। स्प्रिंग हाइग्रोमीटर होगा, उसके बाद स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग स्केल जिसको कहते हैं, स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी वेट स्केल है। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा स्थिर होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। यानी स्प्रिंग तुला से क्या होता है, भार ज्ञात किया जाता है, यानी इसमें दूसरा हो गया। बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारी परीक्षाओं में पूछा कई बार। बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, यानी आपका ए हो गया। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी जो होती है यानी प्रेडिक्शंस करने में इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी पूछा जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा यंत्र है जो भूकंप मापी है, यानी जिसके अंतर्गत भूकंप को मापा जाता है। तो देखिए मित्र, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। वैसे आपको मान लीजिए कहीं कहीं पर सिस्मोग्राफ ना दे करके दे दिया जाएगा रिक्टर स्केल, तो ये भी नोट कर लीजिए लगे हाथ, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो कि 0 से लेकर के 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी अथवा परिमाण मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है, यानी आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, आपके स्क्रीन पर है। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न बन सकता है, कई बार पूछा हुआ है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अथवा मशीन द्वारा इकाई समय यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य अथवा उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का जो इकाई होता है उसको जो है जूल प्रति सेकंड, क्या किसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, जूल प्रति सेकंड अथवा
इसी को वाट से भी डिनोट किया जाता है, यानी वाट में भी व्यक्त किया जाता है। यानी तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप सभी के। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पर। सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित करना है दिए गए कोड से। देखिए एक तरफ सूची वन एक तरफ सूची दो दिया हुआ है, इसको मिलाना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। आप देखिए उच्च वेग मैक, आप देख रहे हैं आगे क्या लिखा हुआ है, मैक, बिल्कुल मैक जो होता है उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। ये मैक जो है क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या, मैक नंबर वायु में ध्वनि की गति, ध्वनि की गति कितनी होती है भैया, 343 मीटर/सेकेंड, मीटर/सेकेंड। कभी कभी पूछा जाता है मीटर/सेकेंड की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति को प्रदर्शित करता है। यानी आपका तो यहाँ से समझ में आ जा रहा है कि उच्च वेग मैक हो जाएगा। फिर बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, किसकी, तरंग दैर्ध्य। तो कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त यानी रिपीट करती है वह दूरी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहलाती है। इसको एंगस्ट्रॉम से डिनोट किया जाता है, यानी एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम कभी कभी पूछा जाता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10^-10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर के बराबर होता है। कभी कभी माइक्रोन में डिनोट करने के लिए आता है, एक माइक्रोन वैसे होता है 10^-6 मीटर के होता है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो -6 गुणा करोगे 10^-4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा जानो पहले आप कि तरंग दैर्ध्य के माप किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में। फिर बात करते हैं दाब, दाब की यूनिट होती क्या है। तो किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं, तो बिल्कुल दाब की जो यूनिट है या दाब को जिसमें व्यक्त करते हैं उसका नाम है पास्कल। एक पास्कल बराबर कभी कभी पूछा जा सकता है, तो एक पास्कल जो होता है यह आपके 1 N/m² के बराबर होता है। फिर बात आ रही है इसके बाद जल प्रवाह, जल प्रवाह का मतलब यह है क्यूसेक, बिल्कुल क्यूसेक जो है, ये जो क्यूसेक आपको दिख रहा है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है। किसका आपसे पूछ लिया जाए, लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह प्रवाह की दर फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक बराबर कितना होता है कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह को प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए में एक, बी में दो, सी में तीन और डी में चार, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। आहिस्ते आहिस्ते हम प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे और आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर के हाजिर हुए हैं, तो आप लोग बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मित्र थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक बराबर अगर एग्जैक्ट देखोगे तो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, लेकिन आप देखते हैं तो 3.25 लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं, इसी तरीके से प्रश्न बनते भी हैं। बल का मात्रक है, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात की जा रही है। बल यानी फोर्स है क्या, पहले ये समझ जाओ। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति
स्थिति कैसी होती है, या तो विराम अवस्था में होगा या अथवा गति में होगा। तो विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है, बल का एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट्स होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को अगर देखा जाए तो कैसे डिनोट किया जाता है, तो ये किया जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी देखने को मिलेगा या फिर न्यूटन अकेले मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7वां, 1 माइक्रोन बराबर होता है। अब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण इंटर इन्फ्रारेड रेडिएशंस की तरंग दैर्ध्य यानी जैविक कोशिकाओं, बायोलॉजिकल सेल्स, जीवाणुओं तथा रेशों फाइबर्स का आकार मापने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोन को ऐसे म्यू से डिनोट किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर के। कितने, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर के बराबर होता है। जिसे अब देखो 10^6 करोगे, जब डिवाइड करोगे तो क्या कर दोगे, इसको करोगे तो कि जब मिलीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर में दिया नहीं, मिलीमीटर दिया हुआ, तो 1/1000 मिलीमीटर लिखेंगे। तो यानी कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कभी कभी यूनिट्स को कन्वर्ट करके इसी तरीके से पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है मिलीमीटर में। तो इसके लिए आपको यूनिट्स भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, बड़े प्यार से देखिए, बड़े प्यार से जवाब दीजिए आप सभी लोग। कह रहा है न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। यहाँ न्यूटन के गति के पहले नियम की बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में तथा यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाएगा, तब तक यह स्थिति बनी रहती है। यानी ये क्या हो जाएगा, आप देखो 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया कि न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जो है ये जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। हमने आपको बता दिया कि इसमें होता क्या है, जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य कारक, बाह्य ऑब्जेक्ट जो है उस पर वर्क नहीं करते हैं, तब तक वह अपनी स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है। यहाँ तक किसी को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 1 नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। देखो कोई नाव है, जल में नहीं डूबेगी, लेकिन कब, जब उसके द्वारा जो नाव है उसके द्वारा कौन कितना जल विस्थापित किया जाएगा कि वो डूबेगी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऐसे प्रश्न आपके पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु हो किसी तरल यानी फ्लूइड में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, बायोएंट फोर्स लगाया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर बात करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर होगा। तो बताओ कितने, नाव के भार के बराबर। यानी यहाँ नाव की बात करें तो नाव जितना है वो अपने भार के बराबर जब पानी को क्या करेगी, हटाएगी, तो नाव पानी में डूबेगा नहीं। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पर।
क्वेश्चन नंबर 10, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर प्रक्षेप गति की बात की जा रही है, तोप के गोले की गति जो होती है प्रक्षेप गति, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही यह एक उदाहरण है। प्रक्षेप गति में वस्तु पर वलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। यानी 10वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। अब जो आपको बॉडी में पसीना होता है, स्वेट की बात किया जा रहा है, तो शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव कराती है, और जब शरीर से वाष्पित यानी इवेपोरेट होता है तो शरीर से कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, बिल्कुल शरीर का ताप नियंत्रित करने में ही यही आपका हो जाएगा सही। यानी 11वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। कहां पर बात किया जा रहा है कि किसमें जो है हिमरोधी का प्रयोग किया जाता है, स्वचालित ईंधन, स्वचालित इंजन की बात कर रहा है, यानी जो अपने से चलते हैं। तो देखिए स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल, यहां देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी यानी एंटी फॉरेस्ट एजेंट के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक जो होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है, ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जा सके। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, देखिए यहाँ पर डिग्री फारेनहाइट में भी दिया है, आपको डिग्री सेल्सियस में भी दिया जा सकता है, केल्विन में भी दिया जा सकता है, तो तीनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को जब आप अप्रॉक्सीमेटली मानते हो, फारेनहाइट में लेके चलते हो, तो ये हो जाता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, या फिर जब केल्विन में इसी को चेंज कर दोगे तो हो जाएगा 309.K, ये केल्विन में हो जाएगा, कितना 309.9 ये केल्विन में होता है। अब एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान जो होता है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है शरीर का तापमान होता है, यहाँ पर देखो 98.4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 98.4 डिग्री केल्विन दिया है, तो एक चीज़ तो हो गया कि डिग्री केल्विन हो नहीं सकता, और डिग्री फारेनहाइट में आपको ने देखा कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट, यहाँ देखिए क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया, ये भी ध्यान देना डिग्री फारेनहाइट होता, बच्चे यही गलत कर जाते हो, डिग्री फारेनहाइट होता है, यहाँ सेल्सियस दिया इसलिए गलत हो गया। अब 37 डिग्री फारेनहाइट हो गया। अब देखो अगर मान लो आप इसको एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली मानोगे भी तो 37 डिग्री ये क्या है, सेल्सियस में दिया है, यहाँ क्या दे रहा है फारेनहाइट में दे रहा है, इसके कारण ये गलत हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस ये आपका सेल्सियस में दे रहा है, यानी ऑप्शन ए हो गया। 36.9 डिग्री सेल्सियस को जब आप अप्रॉक्सीमेटली मानोगे तो इसको कह सकते हो, वैसे कहीं कहीं कई अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया जाता है, उसमें कहा जाता है, देखो ये तो आप नॉर्मली अगर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान इतना होता है, लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि 97 डिग्री फारेनहाइट से ले करके 36.1 डिग्री सेल्सियस, या 97 डिग्री फारेनहाइट कर लो या 36.1 डिग्री सेल्सियस से ले करके 99 डिग्री फारेनहाइट, 99 डिग्री फारेनहाइट का मतलब होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब इसके बीच रहता है तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली ये मान लिया जाता है। यदि शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फारेनहाइट, कितना 100.4
100.4 डिग्री फारेनहाइट, यानी जब इसको आप सेल्सियस में चेंज करोगे तो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो बुखार की स्थिति मानी जाती है, यानी फीवर माना जाता है। यानी अगर आप ये सोचो आपकी जो बॉडी है, अगर आपको फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो बुखार है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है 100.4 डिग्री फारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस होगी, ऐसी स्थिति में आपको फीवर महसूस होगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने, कौन से कपड़े गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने अधिक आरामदायक होते हैं क्योंकि, देखिए जब बात आप कहोगे गर्मी की, या पहनना लिख लो, पहनने से अच्छा पहनना लिख लो, पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि उसका कारण क्या होता है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। मुझे लगता है यही सही है। क्यों? क्योंकि हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद अथवा अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो सर्दियों में काले रंग अथवा अन्य गहरे रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव कराते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही जवाब। 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, परम शून्य ताप क्या है? वेरी गुड। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु नहीं, सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान ये हो सकता है, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्प हो जाते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल इसका जवाब फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। देखिए फ्रेंड्स, परम शून्य ताप का मतलब आप समझते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात की जा रही है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। कैसा ना है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, यह 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.67 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपसे बताया कि जो परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है जो कि 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.67 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, उसका कारण क्या है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ये जवाब सही होना चाहिए, पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या होता है? कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब आप समझते हैं ना, बॉयलिंग पॉइंट जो होता है, कितना बॉयलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा यानी तापमान की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17
पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है, इससे भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली आवाज़ को सुनते हैं उसी को तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, किस पर होता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है यानी उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व पिच अधिक होता है। एक पॉइंट यहाँ से जान जाओ, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और वह ध्वनि पतली सुनाई देगी। आप यही समझ जाओ, अधिक तारत्व है, अधिक ध्वनि है, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व यानी पिच अधिक होता है जिसके कारण वह आवाज़ पतली सुनाई देगी, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है और वह ध्वनि मोटी सुनाई देती है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनियों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए जो पुरुषों की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है जबकि स्त्रियों की आवाज़ जो होती है कोयल जैसी होती है, उसका कारण यही है। तो देखो समझ में आया कि नहीं, तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है, ध्वनि प्रदूषण यानी स्तर की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल यानी इसको ऐसे dB से लिखा जाता है, डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अभी हम आपको बता भी रहे थे ना, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी स्तर कितनी होती है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। हम एक तरफ क्रियाकलाप बताते हैं और एक तरफ डेसिबल स्तर क्या होता है पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिए। सामान्य श्वसन, नोट कर लीजिए हमारे साथ ये पॉइंट आप लोग भी, सामान्य श्वसन की अगर बात करें, सामान्य श्वसन जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं फुसफुसाहट, फुसफुसाहट अगर आप आपस में दो लोग बैठे हैं फुसफुसा रहे हैं चोरी छुपा बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका होगा वो होगा डेसिबल स्तर 30 डेसिबल के बराबर होगा। अच्छा, अगर तीसरा हम बात करें सामान्य बातचीत, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सामान्यतः बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं तो सामान्य बातचीत की ही तरह बात करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी बात क्या होती है तेज़ हो जाती है। तो देखो सामान्य बातचीत जो होती है वो 50-65 डेसिबल यानी 50-65 डेसिबल तक हो सकती है। और तीसरे के बाद चौथा पॉइंट नोट करिए, ट्रैफिक का शोर, ट्रैफिक का शोर। अब देखो फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक का शोर होता है वो 80 डेसिबल के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसलिए आप जानते रहिए। ट्रेन की आवाज़, ट्रेन की आवाज़ अगर हम बात करें ट्रेन की आवाज़ की, तो ट्रेन की आवाज़ जो होती है वो 100 डेसिबल के इक्वल होती है। ट्रेन की आवाज़ के बाद बात करते हैं आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा में आप देखते हो लड़कियाँ डांस करते हैं, लड़के भी डांस करते हैं ना, लुंगी डांस होता है, बहुत सारे डांस होते हैं ना, आपने भी डांस किया होगा, नहीं हाँ डांस नहीं किया होगा तो देखा होगा। आर्केस्ट्रा की जो डेसिबल स्तर होती है वो 110 डेसिबल के इक्वल होती है। उसके बाद बात करते हैं सातवां हम, रॉक कंसर्ट 110 ही होता है, तो इसी में चाहो तो आप इसी में लिख लो, ये आपसे पूछा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रॉक कॉन्सर्ट कभी कभी पूछा जाता है रॉक कॉन्सर्ट की कितनी होती है, तो रॉक कॉन्सर्ट की भी 110 डेसिबल ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अब लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS के एग्जाम में। जेट वायुयान कहने का मतलब क्या है, उड़ान भरते समय जो वायुयान होते हैं उनकी जो डेसिबल स्तर होती है कितना होती है, 130 डेसिबल के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, पटाखे फोड़ोगे, पटाखों में जैसे त्योहारों में दिवाली के समय में और भी जो है खुशियों में आप क्या करते हो, पटाखे फोड़ते हो, तो पटाखे का जो शोर होता है उसका जो होता है 145 डेसिबल के बराबर होता है, 145 डेसिबल के इक्वल होता है। एक और आप जो है आठ के बाद नवा लिख लीजिए, चाहें तो नवा पॉइंट एक और लिख लीजिए, रॉकेट लॉन्च। जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है यानी स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो डेसिबल क्षमता होती है वो 180
80 डेसिबल के इक्वल होती है। तो ये पॉइंट आप जानते रहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक बार बच्चों थंब का निशान दीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए, एक बार थंब का निशान दें। और भी ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने में कोई प्रकार की कंजूसी ना करें। जब हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, मित्र आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, जैसे कि दोनों के सपोर्ट से एक नया कीर्तिमान आने वाले समय में लिखें, जो GS की समस्या है उसको एकदम जड़ से खत्म कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं बिना वक्त जया किए हुए। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। अब देखो, जो जल की पृष्ठ में उठने वाली लहरें होती हैं, तो आपको बताना चाहूँगा किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ऐसा होता है। अब होता क्या है, जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ का मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ, जैसे आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह के लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनुप्रस्थ तरंगों ट्रांजर्स वेव्स का निर्माण करती हैं। यानी क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे लिखा हुआ है, यही हो जाएगा एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले कभी कंफ्यूज कर देते हैं, कभी हिंदी वाले, तो भैया इसीलिए बायलिंगुअल हर वर्ड बोल देता हूँ, लिख लो TRANSVERS ट्रांजर्स वेव्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। बच्चों याद होना चाहिए, आपने बचपन में देखा होगा कि तालाब था, चिब्बी लेते थे, चिब्बी मतलब खपटेला याद है कि नहीं बताइए कमेंट करके। खपटेला हो गया, ढेला हो गया, कोई ऐसा जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चपटा टाइप का होता, तो मारते थे, कहते देखो हम पानी में 5 लहर उठाएंगे। मारा, एक बार टच किया, फिर वही उठा, दूसरी बार फिर हुआ, तीसरी बार। इसी तरीके से जो ये पोजीशन होती थी कि एक टच, दो टच, तीन टच, चार, पाँच, कल कई सारे ऐसे कलाकार थे, ऐसे मारते थे स्पीड में कि वो क्या होती थी, उठती थी बैठती थी। ये जो सिचुएशन होती है, इसी सिचुएशन को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांजर्स वेव्स कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बचपन के दिन भी याद आ रहे होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए किसको याद आ रहा है, आपने किया है या नहीं। आपने नहीं किया फिर भी आपको याद आ रहा है कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आपने किया है या नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। MRI आप देखते हो, आप बीमार पड़ गए, पैर मोच आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं भैया इसका MRI कराना पड़ेगा। तो देखो मित्र, चुंबकीय अनुवाद चित्रण, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी इस MRI का फुल फॉर्म जान जाओ, क्या होता है, M से मैग्नेटिक, R से रिजोनेंस, I से इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी वाला भूल जाता है इसीलिए नोट कर लीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं भैया चुंबकीय अनुनाद चित्रण, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक चिकित्सीय तकनीकी है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीनों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अर्थात स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो बता दो भैया क्या हो जाएगा, चुंबकीय तरंग, यानी MRI मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे इस सेशन का, भौतिक विज्ञान के सेशन का आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। आइए क्वेश्चन नंबर 21,
और आपको बताना चाहूँगा इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एसपी शुक्ला एजुकेट सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8953806857 8953 पर भी व्हाट्सएप करके भी इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। समस्त क्लासेस, जितनी क्लासेस होती हैं समस्त क्लासेस का पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21, सौर विकिरण निम्न तरंग दैर्ध्य परास में से किस परास में दिखाई देता है? किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? सौर विकिरण की। क्या कह रहा है? सौर विकिरण निम्न तरंग दैर्ध्य परास में से किस परास में दिखाई देता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस में दिखाई देती है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल आपका जवाब भी आ रहा है 400 to 700 नैनोमीटर। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण क्या कहा जाता है? सौर विकिरण लिखा ना, यहाँ देखो सौर विकिरण, अभी दूसरा अगर पराबैंगनी विकिरण होता तो आप समझ जाते, लेकिन सौर विकिरण के कारण आपको कम समझ में आ रहा है। सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, जिसका परास जो होता है, अगर हम परास की बात करें तो ये होता है 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर होता है। दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होता है। अवरक्त विकिरण जो होती हैं उनका जो होता है वो होता है 700 नैनोमीटर से लेकर के 10^6 नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। अतः बात कर रहा है सौर विकिरण की, सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण भी कहा जा सकता है। अब देखो सौर विकिरण जो होता है ये 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य परास में दिखाई देगा। किसमें? 400 टू 700 नैनोमीटर में दिखाई देगा। फिर से ध्यान से सुनिए, सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, किसमें? पराबैंगनी विकिरण, यानी परास जिसका होता है पराबैंगनी विकिरण का 400 नैनोमीटर तक हो सकता है, यानी 100 से लेकर के 400 तक यही हो सकता है। दृश्य प्रकाश जो होते हैं, जो दिखते हैं आपको, वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की बात करेगा। भाई सौर विकिरण की बात कर रहा है, सौर विकिरण क्या होता है, हमें दिखता है, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, क्या होता है, दिखता है ना कि भाई सूरज की किरणें लग रही हैं, तेज हैं, धीमी हैं, इनका अनुभव होता है हमें। इसलिए इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन भी होगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए केवल पराबैंगनी विकिरण देता तो उसमें अगर आपको मान लीजिए 100 to 400 नैनोमीटर दिया तो पहले हम उस पर विचार करते। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? अब यहाँ पर कह रहा है कि किस गति में न्यूनतम होती है, किस गति में अधिकतम होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस पर बहुत गौर से समझिए। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित होती हैं, यानी डिवेट्स होती हैं, डाइवर्ट एक तरीके से कर लीजिए, हो जाती हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए प्रकाश आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई किरण आई, यहाँ से आके इधर चली गई ना, ठीक है। अब लेकिन कोई किरण यहाँ आई तो यहाँ, लेकिन अब ये अपने पथ से थोड़ा सा हट करके यहाँ से ऐसे चली गई, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया। उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता, उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होगी। क्या, फिर से सुनिएगा, क्या कहा मैंने? माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होगी। निर्वात की अगर अपवर्तनांक की बात करें तो 1.0 कितना होता है, निर्वात में अगर बात करें अपवर्तनांक 1.0 होता है। वायु के अपवर्तनांक की बात करें कितना होता है तो 1.0003 होता है। जल के अपवर्तनांक की अगर बात करो तो कितना होता है, 1.3 होता है। कांच के अपवर्तनांक की अगर बात करो तो कितना होता है, 1.52 होता है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। भैया समझ लो, आपको मैंने बताया कि यही समझना, लास्ट पॉइंट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। अब यह न्यूनतम पूछ रहा है, ऐसे सोचो, सुनो सुनो, फिर से सुनो भैया, माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम,
जितना कम होगा ये बेचारा कम होगा और वो उतना ही आग मूतेगा, उतना ही आगे जाएगा, उतना ही फास्ट होगा, यानी प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होगी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति अधिक हो रही है कब, जब अपवर्तनांक कम था तब, लेकिन आपसे पूछ रहा न्यूनतम गति, इसको कह रहा न्यूनतम, तो ये जो कम है क्या हो जाएगा अधिकतम, अपवर्तनांक क्या होगा अधिकतम। मेरे भैया जरा बताओ किसमें अपवर्तनांक अधिकतम है, तो ये आपको दिख रहा है कांच का अपवर्तनांक कितना 1.52, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा 1.52। याद कर लो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका कितना अपवर्तनांक होता है, ये प्रश्न इस तरीके के प्रश्न को आप तभी सही कर सकते हो जब आपको अपवर्तनांक पता होगा। अब आपको अपवर्तनांक ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए अपवर्तनांक बहुत जरूरी। फिर से नोट कर लीजिए आप कांच का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे मित्र 1.52 होता है। अगर निर्वात के अपवर्तनांक की बात करें तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1.0, यानी 1 ही कर लो। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.3 होता है, और अगर वायु के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 1.0003 होता है। तो यहाँ पर आपसे सबसे अधिक किसका है, आपने देखा कि कांच, अगर इन सब की तुलना में कांच का अपवर्तनांक जो है प्रकाश की गति में क्या है न्यूनतम हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद, क्वेश्चन नंबर 23वें पर, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश के विसरण का कारण, तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका क्या करता है, प्रकीर्णन करता है, स्कैटरिंग कर देता है। यानी बताओ वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो जाएगा मित्र, धूल कण हो जाएंगे। क्या होगा, धूल कण हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कभी कम कभी ज्यादा पूछता है। तो देखो पहले चीज तो सुनो, बहुत गौर से सुनो, यहाँ पर आपको दिख रहा है लाल रंग, बिल्कुल आपको याद भी, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी बहुत मर्द पे पूछा जा चुका है। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है भैया, 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, इसीलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है। आपने देखा होगा ट्रेन को रोकने के लिए लाल कलर के कपड़े को जो है गार्ड क्या करता है, झंडी दिखाता है, रोकना होता है आगे जो है, जब ट्रेन को रोकना होता है लाल कलर, आपने मूवियों में कई सारी देखा होगा, तो इसी तरीके से करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है किसका, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। कितना होता है, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, इसीलिए बैंगनी रंग की दृश्यता जो होती है, विजिबिलिटी जो होती है सबसे कम होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा वै जानी हपी नाला, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विपग्योर का नियम आपने पढ़ा है, वहाँ से आप देख लीजिए, या फिर हिंदी वाले देखो भैया वै जानी हपी नाला, ठीक है, वै जानी हपी नाला, वैसे वैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम, तो इसी क्रम को याद कर लो, बढ़ते और घटता क्रम दोनों लिख के आप आ जाओगे, आराम से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद, क्वेश्चन नंबर 25वां आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है, जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। तो बताओ मेरे भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आपको ऑप्शन में होना चाहिए क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर तापीय ऊर्जा से जय ऊर्जा
गतिज ऊर्जा, प्रकाश से तापीय ऊर्जा। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया है, यहाँ आप देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया फ्रेंड्स, इसमें होना चाहिए था इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आप लोग बना लीजिए किसके कारण होता है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बाकी आपको PDF में बना बनाया मिलेगा, सही मिलेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक तराशा हुआ हीरा जो होता है चमकीला दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ये आपको ऑप्शंस क्या है गलत दे दिया गया है, ऑप्शन गलत है, इसको आप बना लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वें पर, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। देखो आगे आखिर क्वेश्चन वही प्रश्न, अगर आपने था इससे पढ़ा होता तो कर लेते। इंद्रधनुष रेनबो की बात कर रहा है, रेनबो है क्या, तो यह एक मौसमी परिघटना, मेट्रोलॉजिकल फिनोमेनन है जो वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन तथा प्रकीर्णन, डिस्पर्शन के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में विभाजित होता है, इसको आप लिख लो, आप बहुत अच्छे से लिख लो, चाहे तो आप विव ग्योर के माध्यम से याद कर लो, या फिर आप ऐसे देखो लाल, रेड, उसके बाद होता है नारंगी, नारंगी, ऑरेंज, ऑरेंज, पीला, येलो, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, जामुनी, इंडिगो, उसके बाद होता है बैगनी, वायलेट। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा, आप बीच में देखो, चाहे आप ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात का आधा साढ़े तीन, यानी तीन उधर निकालो, तीन उधर, लाल, नारंगी, पीला निकाल दो, बचा क्या, हरा, क्या बचा मित्र, हरा बचा। तो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा था, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हरा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा दूसरे माध्यम से भी आप लिख सकते थे, विव ग्योर के नियम से, विव ग्योर का भी आप जो है, जैसे आप देखो विव ग्योर, वायलेट, वी ब, वी आई वी ब, ब ग्योर, जी वाई ओ आर, कुछ छूटा तो नहीं, वी आई, इसको कैपिटल लिख लो, वी आई बी जी वाई ओ आर, विव ग्योर, वी से वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो, येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, आर से रेड, रेड मतलब लाल। तो देखो यहाँ बीच में कौन सा आ रहा है, ग्रीन। अच्छा इस तरीके से, या फिर अभी अभी मैंने आपको बताया था वैजानी, वैजानी हापी नाला, इससे भी याद कर लो, आप देखो क्या आ रहा है बीच में, हरा आ रहा है, वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब इसमें भी आपसे, जब आपसे अभी इसके पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि तरंग दैर्ध्य के लिए हम क्या करते हैं, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम किसका, वैगनी, अब इसको मान लो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो वैगनी पहले पे, फिर दूसरे पे जामुनी, तीसरे पे नीला, चौथे पे हरा, पांचवे पे पीला, छठवें पे नारंगी, सातवें पे लाल, इस तरीके से आप इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद, क्वेश्चन नंबर 27वें पर, क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। अब देखो निकट दृष्टि दोष में दिखता क्या है और क्या नहीं दिखता, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया, इंग्लिश वाले बच्चे, मायोपिया, या फिर इसी को कहते हैं नियर
SIGHTED साइटनेस, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और नियर साइटनेस से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ऐसे समझ जाओ, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की तो दिखेगा, दूर की नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब आपको दूर की तो दिखेगा लेकिन निकट की नहीं दिखेगा, ठीक। परंतु दूर सामान्यतया 2 मीटर से अधिक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। सामान्यतया 2 मीटर है, उसके ऊपर की वस्तु जो होगी वो धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि आँख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। बिल्कुल, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष अगर आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28वें पर आपके सामने है। कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी आप देखते हो, गाड़ी में कार की बात करें तो कार मतलब आप जानते ही होंगे, इतना तो आप समझदार है, ये हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं भैया कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है भैया, कॉन्वे और कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। कॉनकेव अभी अब आप ये अवतल दर्पण को कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स, ठीक। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का दृष्टि क्षेत्र जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही कारण है कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने वाले दर्पण जो होते हैं, रेयर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे पीछे का पूछे, कार का पूछे, कोई भी गाड़ी पूछे, तो आप कार के पीछे या कोई भी गाड़ी देखे उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। बहरहाल उस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब देखिए, दूरदृष्टि वाले के बारे में कह रहा है कि कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। दूरदृष्टि का मतलब अभी आपको बताया, हाइपरमीट्रोपिया और हाइप्रोपिया, आज जिसको हम कहते हैं फार साइटनेस से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं धुंधली यानी ब्लर दिखाई देती हैं, क्योंकि आँख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने बताया। तो आइए देखते हैं, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये क्या कर रहा है, यही गलत है। किसका किया जाता है इस दोष को करने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, लेंस का अभ्यंतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, डी। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ही हो जाएगा। बताओ प्रेम से समझ में आया कि नहीं। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, प्रेम से बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। अब इससे सुरक्षा क्या होगा, अर्थ का कनेक्शन करने से विद्युत उपकरण जो होता है जीवित परिपथ अर्थात लाइव सर्किट से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ते हैं, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके तथा उपकरण जलने से बच जाए, यही होता है इसका मेन कारण होता है। आप देखेंगे शहरों में नहीं होता है, लेकिन गांव में क्या होता है, आदमी देता है, और जो बिजली कम हो जाती है ना, तो जाके या तो क्या करेंगे, उसको अर्थिंग को मारेंगे डंडा से, उसमें नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे बाप देखो तो बिजली तेज हो गई, तो किसके लिए, सुरक्षा। मेन क्या होता है, सुरक्षा के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30
1 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता तो पूछा जा रहा है लेकिन शुष्क स्थिति की बात कर रहा है। देखिए मित्र, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो हम इस प्रश्न को क्लियर करते हैं कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जब आपसे पूछे कि कौन सा होता है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होती है वो चांदी की होती है। किसकी होती है, चांदी की होती है। एक प्रश्न ये जान लीजिए, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है, जबकि अगर हम बात करें तांबा, एल्यूमिनियम तथा लोहे की तुलना में चांदी की, तो चांदी की जो विद्युत चालकता होती है सर्वाधिक होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, मानव शरीर की प्रतिरोधकता शुष्क स्थिति में 10^5 ओम होती है। ये आप देख रहे हो, ओम को डिनोट करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। 10^5 का मतलब आप एक लिख करके 5 बार जीरो लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो ना, तो उसी को दिखा जा रहा है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, शुष्क स्थिति में पूछ रहा है, एक और स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, उस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है, आर्द्र स्थिति। आर्द्र स्थिति तो आपसे लगे हाथ ये भी जान जाते हैं, आर्द्र स्थिति में जब आपसे पूछेगा तो 10^3 ओम होता है। कितना होता है, 10^3 ओम यानी 1000 ओम होती है। कितने ओम होती है मित्र, 1000 ओम होती है। फिर से समझ जाओ, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता शुष्क स्थिति में कितनी होती है, 10^5 ओम होती है। आर्द्र स्थिति में कितनी होती है, 10^3 होती है यानी 10^3 होती है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी का वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम दिया जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो विद्युत धारा का वोल्टेज कम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसकी बात कर रहा है, दंड चुंबक को क्या किया जाएगा, 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक के समान व्यवहार करेगा, अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, लेकिन उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। सिलिकॉन क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन है क्या, आपने पढ़ा होगा 9th-10th की क्लास में, 11th-12th की क्लास में पढ़ा होगा सिलिकॉन, जिसको SI से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। एक प्रश्न तो आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में रासायनिक तत्व पृथ्वी पर कौन सा पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कौन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। तो देखो लगे हाथ दो प्रश्न तैयार हुए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिकॉन है क्या,
सेमीकंडक्टर्स, जिसको अर्धचालक बोलते हैं हिंदी में, सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो होती है यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है चालकों यानी कंडक्टर से कम, परंतु अचालकों यानी नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं उनसे अधिक होती है। तो बिल्कुल 34वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। अब देखो मात्रक की बात हो रही है यानी यूनिट्स की बात यहां पर पूछा जा रहा है, और यूनिट्स किसका? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट, विद्युत धारा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, इसमें जिसमें बी क्या होता है? साइलेंट होता है यानी COULOMB होता है यानी कूलाम्ब होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश को पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव, यानी एक को धनात्मक और दूसरे को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 अतिचालक का लक्षण है। क्वेश्चन कह रहा है अतिचालक का लक्षण, तो ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है अतिचालक या सुपर कंडक्टर्स कहलाती हैं। एल्यूमिनियम आपको बताना चाहूँगा, एल्यूमिनियम, पारा और उसके बाद सीसा, इसके प्रमुख अतिचालक हैं। तो क्वेश्चन अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक जो होते हैं ये शून्य प्रतिरोधकता होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उन्हीं को अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में याद हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए आप बायलिंगुअल पढ़ने का प्रयास किया करिए, आगे भी काम देगा आप सभी को। तो अतिचालक क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत ही प्यारा प्रश्न है यह क्वेश्चन, कई मर्तबे आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा है। आप अगर देखेंगे लोअर की एग्जाम की बात कर लीजिए, वहां पे पूछा है, और भी ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं जैसे आप लेखपाल की परीक्षा के लिए देखिए, एसआई के लिए देखिए, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना चाहूंगा मित्र, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ध्वनि की तीव्रता लोगों की बातचीत के प्रकार पर निर्भर करती है। अब लोग बात किस तरीके से कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर मान लीजिए फुसफुसाहट है, फुसफुसाहट का मतलब विस्परिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेकर के आप देखेंगे तो 15 से 20 डेसिबल, और जो अगर सामान्य बातचीत की बात होती है तो सामान्य बातचीत में 30 से 60 डेसिबल, 30-60 डेसिबल, तथा तेज आवाज में बात करें, मान लीजिए पढ़ाते मैं पढ़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आपसे ना, तेज आवाज में यदि बात कोई कर रहा है तो 70 से लेकर के 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। अगर फुसफुसाहट है तो कितना होगा? 15 से 20 हो जाएगा, और अगर तेज आवाज में बात करें तो 70 से 80 डेसिबल हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती हैं? पराश्रव्य ध्वनियां अल्ट्रासोनिक साउंड्स की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य सामान्यतया उन्हीं ध्वनियों को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति, लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। कुछ जीव जैसे वेल, कुत्ता आदि पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं।
तो देखो पराशर वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, लेकिन मनुष्य कहाँ तक सुनेगा? मनुष्य केवल 20,000 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के अंदर तक की ही बातों को सुन पाएगा, उसके ऊपर नहीं सुन पाएगा। उसके ऊपर सुनेगा कौन? जैसे व्हेल हो गया, कुत्ता हो गया, इन लोगों को सुनाई दे जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद, क्वेश्चन नंबर 39वें पर, क्वेश्चन नंबर 39। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं, ये वास्तव में हैं, ये वास्तव में क्या हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिए। तो ये वास्तव में देखा जाए तो रेडियो आइसोटोप्स हैं। क्या हैं ये? रेडियो आइसोटोप्स। निदान कहने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ जाओ भैया। नैदानिक, नैदानिक यानी निदान, आप समझो निदान, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। और उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। तो देखो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाने वाली नाभिकीय औषधियां वास्तव में विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। इनके प्रयोग से मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। तो पूछा जा सकता है किसका पता लगाया जाता है? इनके प्रयोग से मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मित्र? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस सेशन का अंतिम प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? क्वेश्चन कह रहा है आपसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, किसको किसने परिभाषित किया? तो सार्वजनिक, सार्वत्रिक, दो तरीके से कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, नॉर्मली न्यूटन कहते हैं लेकिन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा है तो इसे गुरुत्व, ग्रेविटी कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती यानी प्रोपोर्शन तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सल प्रोपोर्शनल होती है। आपने इसका फॉर्मूला भी देखा होगा, फॉर्मूले आपके पूछे जाते हैं, आपने उस तरीके से भी किया होगा। तो यह सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस सेशन में हमने बात किया आपसे भौतिक विज्ञान के 46 महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसा रहा सेशन जरूर बताइए। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में मिलते हैं और जिसमें देखेंगे और इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।